कैसे हो बच्चों हिंदी की क्लास में और भी स्कूल की तरफ से आपका फिर से स्वागत है हम त वर्ग के व्यंजन पढ़ रहे हैं त वर्ग का चौथा व्यंजन है व्यंजन व्यंजन ध, ध। से धनुष बच्चों आपको दोहराना है से धनिया धनिया से धतूरा धतुरा इज अ नेम ऑफ अ फ्लावर धसे धुआ देखो ट्रेन में से निकल रहा है काला काला धुआं धसे धन धन मतलब पैसे मनी और जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं उसे बोलते हैं धनी मतलब रिच पर्सन धसे धरती जिसके ऊपर हम रहते हैं और धसे धारदार होता है शार्प हमको शार्प चीजों को टच नहीं करना चाहिए यह है धसे धोबी वॉशरमैन दसे धावक धावक मतलब रनर जो रनिंग रेस में पार्टिसिपेट करते हैं दसे ध्वज हम जो फ्लैग बोलते हैं उसे हिंदी में ध्वज बोलते हैं दसे धागा धागा मतलब थ्रेड और लास्ट में होता है दसे धन्यवाद धन्यवाद मतलब थैंक यू Now it's time to practice writing Vyanjan the. As you all know, we require my skill book that is MSB book. Then we have to open page number 5757 and in the left side corner we have to write today's date that is 13.8.20. Then we have to start practicing. How we will practice? As you all know that we write Hindi in three lines. Yes, this is your first line, second line, and this one is your third line. For this is first line and second line, you have to keep the pencil in the middle. Then you start making a circle, touch the first line, complete the circle, go slant and touch the second line. We will practice one more time. Start from the middle, go up, touch the first line, complete the circle, and

which will not touch this third line then you have to go little bit up but it will not touch the second line also let's do it one more time keep the pencil in the middle start making the circle touch the first line go behind complete the circle go slant touch the second line from second line start making a small c विच विल नॉट टच दर्ड लाइन वो तीसरी लाइन को टच नहीं करेगा और मेक अ स्मॉल स्लांटिंग लाइन बट वो दूसरी लाइन को टच नहीं करेगी देन पहली लाइन और तीसरी लाइन के बीच में मेक अ स्ट्रेट लाइन सीधा लाइन बनाना है ये हो गया आपका धन कीप देंसिल इन द मिडिल स्टार्ट मेकिंग द सर्कल गो अप टच द फर्स्ट लाइन गो स्लान टच द सेकेंड लाइन फ्रॉम सेकेंड लाइन स्टार्ट मेकिंग अ स्मॉल सी विच विल नॉट टच तीसरी लाइन को टच नहीं करेगा गो अप एंड लीव इट एंड देन फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू थर्ड लाइन मतलब पहली लाइन से तीसरी लाइन के बीच में सीधा लाइन बनाओगे स्ट्रेट लाइन एंड स्लीपिंग लाइन ऑन द स्ट्रेट लाइन एंड मेक श्योर दैट यू विल नॉट टच दिस सर्कल आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो आपको लास्ट वीडियो में बताया था जिधर भी व्यंजन में आपको ऐसे सर्कल दिखता है वो सर्कल को ये स्लीपिंग लाइन टच नहीं होती है उसको छोड़ देना है ये हो गया आपका से धन बच्चों आपको ये ट्रेसिंग करके अच्छे से प्रैक्टिस करना है एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए फिर अपने आप लिखोगे कैसे लिखोगे पहली लाइन और दूसरी लाइन के बीच में पेंसिल रखोगे एंड देन यू विल स्टार्ट मेकिंग अ सर्कल गोला बनाना शुरू करोगे जो पहली लाइन को टच करके दूसरी लाइन को टच करेगा फिर दूसरी लाइन और तीसरी लाइन के बीच में एक छोटा सा सी बनाना है जो तीसरी लाइन को टच नहीं करेगा वहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाना है परंतु दूसरी लाइन को तो टच नहीं करना है उसको उधर ही छोड़ देना है फिर पहली लाइन और तीसरी लाइन के बीच में सीधा लाइन बनाना है जब भी आपको सर्कल दिखे वो ध्यान रखे कि ऊपर की जो स्लीपिंग लाइन है वो सर्कल के ऊपर से नहीं लेनी है और एक बार लिखेंगे स्टार्ट मेकिंग अ सर्कल कंप्लीट द सर्कल टच द सेकेंड लाइन सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन के बीच में स्मॉल सी जो थर्ड लाइन को टच नहीं करेगा ये वाला दूसरी लाइन को टच किया तो गलत ऐसे नहीं लिखना है वापस करेंगे सर्कल बनाया दूसरी लाइन दूसरी लाइन और तीसरी लाइन के बीच में स्मॉल सी और उसको ऊपर लेके जाना है और उधर से छोड़ देना है फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन के बीच में सीधा लाइन और स्लीपिंग लाइन बनाने के टाइम पे सर्कल को टच नहीं करना है ये हो गया आपका ध से धन मुझे आशा है आपको व्यंजन ध उससे शुरू होने वाले शब्द और उसको लिखते कैसे हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा धन्यवाद